अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही मेरे चूहे से, और मेरा चूहा आज गिर गया था। मैं ऊपर काम करने के लिए गई हुई थी, मैंने कहा इनको संभालो, और ये जो है भाई अपने उसमें खेल में मगन थे, और बेचारा मेरा बेटा नीचे यहाँ से बेड पे से यहाँ नीचे गिर गया, और इतना रोया है कि मत पूछो। है ना माविया, क्या हुआ? तो बार बार काम नहीं करते है ना, जब पूछन जाओगे जब करना भी रख दो। नहीं मछली घर नहीं बना रखो, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज मैं बनाऊंगी लाहौरी मुर्ग छोले, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुर्ग छोले नहीं बनाए, इसलिए मैंने कहा मुर्ग छोले बनाऊंगी। है ना, ये ना ये सोना पीता। तो जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं, तो मैंने जो है अपने लिए कॉफ़ी बनाई है। इनके बाबा भी आ गए हैं, माविया के साथ खेल रहे हैं। ये चिप्स लेके आए हैं बच्चों के लिए। जिस जिसको चिप्स खानी है वो कमेंट्स में बताइएगा, मैं घर से भिजवा दूँगी बना के। है ना, भिजवा दें, भेज दें। अली भी बोल रहा है कि जिसको चिप्स खानी है वो आके जो है खा लें। जब तक चिप्स वगैरह ख़त्म करते हैं, जब तक छोले उबल रहे हैं, फिर ये ख़त्म करके फिर मैं चलूँगी किचन की तरफ। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुर्ग छोले कैसे बनाते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, फिर मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलते हैं किचन की तरफ। स्लेब पे तो जगह होती ही नहीं है, इसलिए मैं जो है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं या फ्रीज़र के ऊपर रख देती हूँ। ये ऊपर चढ़ के पानी लेने का इनका तरीका है, स्लेब के ऊपर चढ़ के फिर, और एक पहले से जो है ना ये तैयार हुआ हुआ किचन में रख दो, गिर जाएगी। ये मेरे छोले जो हैं ये बॉईल हो चुके हैं, मैंने भिगोया नहीं था, मैंने डायरेक्ट जो है कुकर में चढ़ा दिए थे। अब जो है मैं अपना सामान रेडी करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सामान जो है मेरा रेडी हो चुका है। ये है छोले, ये एक पाव छोले हैं, और ये एक पाव दही, ये लहसुन अदरक, और ये है पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च, और पिसा हुआ गरम मसाला, और नमक, और ये चॉप की हुई प्याज। तो शुरू करते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाह, अब जो है इसके अंदर डालते हैं प्याज। इसको जो है लाइट डाउन करना है प्याज को। बहुत मज़े के बनते हैं जो कि हम लोग बाहर से जो मुर्ग छोले मंगवाते हैं, जो मशहूर है बहुत ज़्यादा मुर्ग छोले, ये इसकी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें ज़्यादा जो है ख़र्चा नहीं होता। और आधा किलो चिकन, ये जो बाकी जो छोले बचे हैं ये मैंने रख दिए हैं, कल इंशाल्लाह चाट बनाऊँगी, तो कल की वीडियो भी आप लोग मिस नहीं करिएगा। मैं आप लोगों को बताऊँगी चाट कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से और बहुत ज़बरदस्त। आप लोग जो है ये रेसिपी ट्राई की करके मुझे बताया भी करें कि आप लोगों को जो है मेरी रेसिपी कैसी लगी है। प्याज जो है मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब जो है मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक। फिर जैसे कैमरा पकड़ो, लहसुन अदरक को जो है मिक्स करके, तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ज़्यादा मसालों का खर्चा नहीं है, और ये नॉर्मली हर घर में मसाले जो हैं होते हैं। और इसके अंदर जो है मैं डालूँगी चिकन, और चिकन को जो है उसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको जो है हल्का सा ब्राउन करना है चिकन को, क्योंकि जो थोड़ी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। चिकन जो है मेरी गोल्डन हो चुकी है,
अब इसके अंदर जो है मैं मसाले डालूंगी। मैं आप लोग हल्दी बताना भूल गई थी, मैं खुद भूल गई थी सॉरी। तो ये हल्दी भी है इसके साथ, अब ये जो है इसमें डाल देंगे सारे मसाले। अब इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हल्दी में भी जो है कच्ची स्मेल आती है, तो हल्दी को जो है अच्छी तरीके से हमें पकाना है ताकि स्मेल जो है हल्दी की वो भी ख़त्म हो जाए। मसाला जो है मेरा रेडी हो चुका है इसका, अब जो है इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। हमारा आ गया, थोड़ी हेल्प हो गई है, वरना मुझे बहुत मुश्किल होती है, एक चीज़ डालती हूँ तो दूसरी चीज़ मुझसे डरती ही नहीं है। इसमें जो है टमाटर नहीं डालना है, फिर दही डालनी है और अच्छी तरीके से जो है इसको इसके मसाले को मिक्स करना है, ताकि ये जो दही है ये अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो जाए। अब इसको जो है मैं 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। पाँच मिनट के बाद मैं चेक कराऊँगी। तो 5 मिनट जो है हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। दही जो है हमारी अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है मैं छोले डाल दूँगी। आधा किलो चिकन में 1 पाव छोले हैं। इसको जो है अच्छी तरीके से छोड़ दो, मिक्स मैंने कर लिया है, छोले भी मैंने डाल दिए हैं। अब इसको जो है मैं आधे घंटे के लिए ढक दूंगी। और ये मैंने हरी मिर्च जो है इनको बीच में से सिर्फ एक कट रखी है, कट लगाया बस। और ये जो है मैंने जो छोले जो उबाले हैं उसका जो है पानी है, ये मैंने 1 कप जितना मैंने पानी निकाल दिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ऐड में कॉर्नफ्लोर मिलाऊँगी और कॉर्नफ्लोर मिला के जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो आधा घंटा जो है हो चुका है, चिकन भी मेरी गल चुकी है। अब जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने छोलों का जो पानी है मैंने रख दिया था 1 कप में, प्याले में रख दिया था छोलों का। तो अब मैं इसमें जो है 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर डालूंगी मैं। ये 2 चम्मच जितना मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, अब वो पकड़ को लपेट के रख दूँ। इसको जो अच्छी तरीके से मिक्स करके और मैं इसके अंदर जो है ये डाल दूँगी। माविया भी जो है उठ गया है, रो रहा है, बार बार जो है रोना धोना इसने लगाया हुआ है। देखिए मिक्स हो चुका है ये, अब जो है मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी। ये जब सालन जो है जब बिल्कुल रेडी हो जाए, जब ये एंड में जो है जब डालना। ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब क्या करना है, एंड में जो है ये हरी मिर्च डाल दूँगी। सालन जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हा कर दिया मैंने बंद और ये कॉर्नफ्लोर है। मैंने आटा गूंथ लिया, आज आटा गूंदा हुआ नहीं था तो मैंने आज रोटी नहीं बनाई। मैंने कहा पहले जो है मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो सालन तो मेरा रेडी हो चुका है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, उसके बाद जो है फिर
फिर रोटी बनाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि नाविया ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है इसलिए। क्या हुआ? कुछ सोना अभी तक गिल गया था। हाँ गिल गया था माविया। क्या हुआ? कोई भी नहीं उठाला आपको? कोई भी नहीं उठाला? तो आज जो है मैंने वो जो क्या बोलते हैं उसको, भादराबाद के मशहूर मुर्ग छोले, वो मैंने जो है आज बनाए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े का बनता है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कल वाली वीडियो मिस नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने कहा मैं छोलों की चाट बनाऊंगी, है ना। और ये मेरे कलर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।